नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार के सीसीआर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगलियाल व एसएसपी हरिद्वार परमिंद्र डोबाल के द्वारा आमजन व यात्रियों के खोए हुए विभिन्न कंपनी के कुल 353 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल ने करीब 55 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से कई मोबाइल फोन विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फोन स्थानीय निवासियों के हैं। इस दौरान साइबर सेल टीम ने समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण के आधार पर मोबाइल फोनों को बरामद करने के लिए सर्विलांस व अन्य माध्यमों की मदद ली। प्राप्त हुई लोकेशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा मोबाइलों को हरिद्वार मंगाया गया। विगत वर्ष में खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में हरिद्वार पुलिस द्वारा अब तक कुल 1,61,00,000 बाजारी कीमत के कुल 1,376 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1,310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता खुशी ये लाने का काम किया है। निस्संदेह मोबाइल ऐसी चीज़ है, यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है फिर उसके बाद। तो आज मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो इसके लिए हमारे हरिद्वार पुलिस की टीम और साइबर टीम दोनों ही बधाई के पात्र हैं। इन सबको मैं अपनी ओर से पुरस्कार की घोषणा भी करता हूँ आज मैं। वक्त हो चढ़ा है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।